या, या, या। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जब हम कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं तब हमें कंप्यूटर्स को स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है कंप्यूटर को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिदम कहते हैं एल्गोरिदम को हमें कंप्यूटर को एक ऐसी भाषा में समझाना पड़ता है जो उसे समझ में आए इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहते हैं इस वीडियो में हम स्क्रैच को हैंड्स ऑन तरीके से सीखते हैं स्क्रैच प्रोग्राम चलाने के लिए सबसे पहले आप स्क्रैच की वेबसाइट एंड्रॉयड ऐप या डेस्कटॉप ऐप में जाकर स्टार्ट क्रिएटिंग बटन क्लिक करें स्क्रैच को ऑनलाइन यूज़ करने के कुछ फायदे हैं आप अपने को स्क्रैच की वेबसाइट पर फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट्स को सेव कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं और दूसरे लोगों के द्वारा बनाए गए स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स आप रीयूज कर सकते हैं स्क्रैच प्रोग्राम में राइट हैंड साइड में ये स्टेज है आप जो प्रोग्राम लिखेंगे वो यहाँ एग्जीक्यूट होगा स्टेज टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसका सेंटर पॉइंट है एक्स इक्वल जीरो और वाई इक्वल जीरो एक्स एक्सिस माइनस टू फोर्टी से प्लस टू फोर्टी तक की है और वाई एक्सिस माइनस वन एट्टी पिक्सल से प्लस वन एट्टी तक की है स्क्रैच में किसी भी चीज की लोकेशन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के आधार पर निश्चित की जा सकती है स्टेज में आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं जिसको बैकड्रॉप कहते हैं आप बैकड्रॉप स्क्रैच की लाइब्रेरी से ले सकते हैं या खुद पेंट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं स्क्रैच में जिसको आप प्रोग्राम करते हैं उसको स्प्राइट कहते हैं स्प्राइट्स भी आप स्क्रैच की लाइब्रेरी से ले सकते हैं या खुद पेंट कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं आप एक साथ कई सारे स्ट्राइट्स प्रोग्राम करके बढ़िया एनिमेशन, इंटरैक्टिव स्टोरीज गेम्स और यहाँ तक कि ए आई प्रोग्राम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं स्क्रैच एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि स्क्रैच के इन प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में आप सरल इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स क्या काम करते हैं स्क्रैच में प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को सिक्स कैटेगरीज में बांटा गया है ये कैटेगरीज हैं हैट ब्लॉक्स जैसे कि व्हेन ग्रीन फ्लैग इज़ क्लिक्ड ये हैट ब्लॉक्स का उदाहरण है। हैट ब्लॉक्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर ये टोपी जैसा डिज़ाइन है दूसरा स्टैक ब्लॉक्स जैसे मूव टेन स्टेप्स ये स्टैक ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर जोड़कर आप स्प्राइट्स को एक लंबा निर्देश दे सकते हैं तीसरे किस्म का प्रोग्रामिंग ब्लॉक है बुलियन ब्लॉक बुलियन एक किस्म की गणित है जिसमें आंसर केवल दो ही हो सकते हैं ट्रू या फॉल्स बुलियन ब्लॉक का एग्जाम्पल है ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर ब्लॉक यहाँ पर जो भी वैल्यू डाली जाएगी वो या तो 50 से ज़्यादा होगी या कम यानी ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स स्क्रैच के चौथे किस्म के ब्लॉक्स हैं रिपोर्टर ब्लॉक्स मोशन ब्लॉक्स लुक्स साउंड सेंसिंग ऑपरेटर और वेरिएबल्स ये रिपोर्टर ब्लॉक्स के उदाहरण हैं पांचवे किस्म के प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं सी या कंट्रोल ब्लॉक जैसे कि इफ़ देन स्टेटमेंट इनको सी ब्लॉक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सी शेप के हैं और ये प्रोग्राम में चीज़ें कंट्रोल करते हैं स्क्रैच में सिक्स और लास्ट टाइप के ब्लॉक्स हैं कैप ब्लॉक्स कैप ब्लॉक्स का उदाहरण है स्टॉप ऑल कैप ब्लॉक्स के नीचे आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते ये किसी भी इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को टर्मिनेट कर देते हैं हम स्क्रैच के इन प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मेन कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए समझते हैं ऐसा करने से स्क्रैच सीखकर अगर आप कोई और कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहोगे जैसे पाइथन तो कोडिंग की फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ बहुत काम आएगी प्रोग्रामिंग की कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेटमेंट्स इवेंट्स लूप्स बुलियन एक्सप्रेशन कंडीशनल स्टेटमेंट्स नेस्टेड स्टेटमेंट्स वेरिएबल्स थ्रेड जिसको स्क्रैच में स्क्रिप्ट कहते हैं फंक्शंस और प्रोसीजर्स और एरेज जिसको स्क्रैच में लिस्ट कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक सिंपल कमांड है जो कि कंप्यूटर को कुछ करने की इंस्ट्रक्शन देती हैं स्क्रैच में स्टेटमेंट के उदाहरण हैं लुक्स ब्लॉक्स जैसे स्विच कॉस्ट्यूम टू नेक्स्ट कॉस्ट्यूम नेक्स्ट बैकड्रॉप से समथिंग मोशन ब्लॉक्स और साउंड ब्लॉक्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो सब स्टैक ब्लॉक्स हैं क्योंकि आप उनके ऊपर और नीचे और इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं नेक्स्ट इवेंट्स इवेंट्स जो हैं वो सिग्नल करते हैं कोई कमांड या सेट ऑफ कमांड्स का शुरू होना स्क्रैच में जो सबसे ज्यादा इवेंट यूज होता है वो है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड। इवेंट्स के और उदाहरण हैं व्हेन स्पेस की प्रेस्ड वेन दिस स्प्राइट स्कलिक्ड वैन बैकड्रॉप स्विचेस वैन आई रिसीव अ मैसेज वैन लाउडनेस इज ग्रेटर दैन इवेंट्स जो हैं वो हैट ब्लॉक्स के उदाहरण हैं कंप्यूटर प्रोग्राम की नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट है लूप्स अगर एक या ज़्यादा कमांड्स को बार बार रिपीट करना है तो हम उनको बार बार लिखने के बदले एक लूप में डाल देते हैं लूप जो हैं वो कमांड्स को दोहराते हैं स्क्रैच में लूप के दो एग्जाम्पल्स हैं फॉर एवर लूप और रिपीट लूप रिपीट लूप के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आप ये बता सकते हो कि उन इंस्ट्रक्शन को कितनी बार रिपीट करना है और फॉरएवर ब्लॉक के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो फॉरएवर रिपीट होंगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी प्रोग्राम में हमारे को बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना है जो कि पूरे प्रोग्राम के ड्यूरेशन तक चलता रहे तो हम उसको फॉरएवर ब्लॉक के अंदर डाल देंगे रिपीट ब्लॉक जो है वो कंट्रोल ब्लॉक या सी ब्लॉक है और फॉर ब्लॉक जो है वो कंट्रोल या सी ब्लॉक तो है साथ ही वो कैप ब्लॉक भी है क्योंकि उसके नीचे आप कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं ऐड कर सकते लूप्स को हम एक प्रोग्राम में यूज करते हैं स्क्रैच में आप कोई भी गाना जो है प्रोग्राम के जरिए आप उसकी ट्यून जो है वो बजा सकते हो तो अगर यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग का अगले वीडियो में हम स्क्रैच का म्यूजिक एक्सटेंशन और लूप्स यूज करते हुए इस हैप्पी बर्थडे सॉन्ग की कोडिंग करना सीखते हैं